हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 19 जुलाई 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 इसके साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच चल रही सीरीज़ और इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाली सीरीज़ को लेकर 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्रिकेट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आती है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से, जहां पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली अब दुबई यानी कि यूएई पहुंच चुके हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि वो यूएई के लिए निकलने वाले थे, जहां पर वो ऑफिशियल्स के साथ अपनी मीटिंग करने वाले थे, और अब फाइनली सौरव गांगुली ने अपनी एक सेल्फी पोस्ट की है वहां पर पहुंचने के बाद। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने निकल कर आया है कि बीसीसीआई अपना एक मिनी ऑफिस भी यूएई में हमें बनाते हुए नजर आएगा, यानी कि एक तरीके से एक मिनी ऑफिस हम सभी लोगों को बीसीसीआई का दुबई में देखने को मिलेगा, जहां पर बीसीसीआई जब भी दुबई वो विजिट करेंगे आने वाले टाइम में, वहां पर आईपीएल टी20 वर्ल्ड कप या फिर ऐसे कुछ टूर्नामेंट जब भी ऑर्गेनाइज होंगे तो इस चीज को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है भारत और श्रीलंका के बीच हुई सीरीज को लेकर, जिसका पहला मुकाबला तो हमने कल देख लिया, जहां पर आसानी से भारतीय टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से बीट कर दिया। अब गाइज इसके साथ ही हमें अगला मुकाबला भी देखने को मिलने वाला है, सेकेंड ओडीआई, तो उस मुकाबले के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में, जिसके ऊपर आप लोग वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राशिद खान की टीम को हराकर अपने अमाउंट को डबल कर सकते हैं, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच हो रही सीरीज में आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है, जहां पर अगर आप लोग इनकी प्लेइंग 11 को बीट कर देते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलता है। इसके साथ ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको एडिशनल 20% का कैशबैक भी आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही विनिंग का अमाउंट डायरेक्टली आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है। इस एप्लीकेशन के थ्रू पास्ट में भी हमारे सब्सक्राइबर हजारों में रुपए अर्न कर चुके हैं, तो आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है मिचेल स्टार्क की तरफ से। दरअसल हम सभी लोग देखते हैं आईपीएल के हिसाब से मिचेल स्टार्क पिछले काफी साल से अपना नाम ही उन्होंने ऑक्शन में देना बंद कर दिया है। हर साल ये उम्मीद वो जगाते हैं कि वो हमें आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी उम्मीद टूट जाती है जब मिचेल स्टार्क नीलामी में अपना नाम ही नहीं देते। लेकिन गाइस अब बताया जा रहा है कि मिचेल स्टार्क आईपीएल 2022 के ऑक्शन में जरूर अपना नाम देने वाले हैं, क्योंकि उनका जो टी20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है और टी20 में मिचेल स्टार्क उतने ज्यादा इफेक्टिव हमें नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से अपने इंटरनेशनल टी20 के रिकॉर्ड को सुधारने के लिए या फिर उसकी प्रैक्टिस के तौर पर मिचेल स्टार्क आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम देने वाले हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली बात है अगला मेगा ऑक्शन तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस सभी टीमों के लिए लेकर आने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी और अनएक्सपेक्टेड बिडिंग आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए, अगर मिचेल स्टार्क आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम देते हैं तो कौन सी आईपीएल टीम से आप लोग उन्हें खेलते हुए देखना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है संजू सैमसन की तरफ से, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आखिर संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह क्यों नहीं दी गई, जबकि उनके अलावा बाकी सारे ही प्लेयर्स को जगह मिली। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कृणाल पांड्या, कुलदीप यादव सभी को मौका दिया गया। तो हम आपको बता दें कि संजू सैमसन को अपनी नी इंजरी की वजह से इस मुकाबले में जगह नहीं मिली, और संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स के अगर आप लोग फैन हैं तो आपके लिए बुरी खबर यहीं पर नहीं रुकती, जहां पर बताया जा रहा है कि इसको जिसको वो एक नी निकल समझ रहे थे वो एक सीरियस इंजरी भी प्रूव हो सकती है, और जिसके चलते संजू सैमसन पूरी की पूरी श्रीलंका के लिमिटेड ओवर्स की सीरीज से हमें बाहर भी होते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी फाइनल रिपोर्ट्स निकल कर नहीं आई है, और जैसे ही संजू सैमसन की फाइनल रिपोर्ट्स आ जाती हैं हम आपको चैनल के ऊपर डिटेल दे देंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है दिनेश कार्तिक की तरफ से, जहां पर दिनेश कार्तिक ने अब उस टॉपिक के ऊपर भारतीय प्लेयर्स का स्टैंड लिया है, जहां पर कुछ भारतीय प्लेयर्स ने बीसीसीआई को रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें विदेशी लीग जैसे कि बीबीएल, विटेलिटी ब्लास्ट या फिर सीपीएल जैसे टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि इनको भारतीय टीम में तो सेलेक्ट किया नहीं जाता और फिर उसके बाद ये पूरे साल खाली बैठे रह जाते हैं आईपीएल के अलावा
अलावा, तो ऐसे में ये अपने क्रिकेटिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं और भी ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं। इसकी वजह से इन्हें विदेशी T20 लीग्स में खेलने की परमिशन दी जानी चाहिए। और अब इसी के रिगार्डिंग दिनेश कार्तिक ने कहा है कि सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा जैसे प्लेयर्स तो पहले इसकी वकालत कर चुके हैं और अब दिनेश कार्तिक भी चाहते हैं कि उन प्लेयर्स को बाहर खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं BCCI इसके रिगार्डिंग कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने प्लेयर्स को किसी भी तरीके की विदेशी लीग में खेलते हुए नहीं देख सकता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से BCCI को भारतीय प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डेनियल सैम्स की तरफ से। और सैम्स ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसके बाद RCB की टीम, जो कि अभी तक रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को लेकर उतनी ज़्यादा चौकन्ना हमें नज़र नहीं आ रही थी, उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर निकल कर सामने आ सकती है। जहाँ पर गाइस डेनियल सैम्स ने बताया है कि वो UAE के Part 2 IPL में आने के लिए श्योर नहीं है, यानी कि अभी तक उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि वो IPL में खेलने आएंगे भी या नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा जो उनके बाकी के टीममेट्स हैं उनको भी क्लियर नहीं है कि वो IPL खेलने आएंगे या फिर नहीं। तो ऐसे में RCB की टीम, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके विदेशी प्लेयर्स जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल या फिर कायल जेमिसन या फिर डेनियल सैम्स, ये वो काफ़ी हद तक श्योर थे कि IPL खेलने के लिए आने वाले हैं। लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट आना डेनियल सैम्स की तरफ से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है कि आप भी अपने रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस को ओपन रखिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है कुलदीप यादव की तरफ से। जहां पर कुलदीप यादव काफ़ी टाइम के बाद हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका रिटर्न देखने को मिला और फाइनली अपने तीसरे ओवर में ही कुलदीप यादव ने 2 विकेट लेकर प्रूव कर दिया कि अभी भी उनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है, अभी भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बाकी है। और इसके बाद जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कुलदीप ने साफ साफ ही बोल दिया था कि ना तो उन्हें भारतीय टीम चांसेस देती है ना तो उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चांसेस देती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस परफॉर्मेंस के बाद कुलदीप यादव को और भी ज़्यादा बैक किया जाएगा भारतीय टीम के हिसाब से और उन्हें और भी ज़्यादा मैचेस में चांस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लेकर। जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी IPL टीम्स अभी से ही IPL 2022 की प्रिपरेशन में लग चुकी है, जहां पर कौन कौन से प्लेयर्स को उन्हें ऑक्शन में पिक करना है, क्या क्या चेंजेस उन्हें अपने कोचिंग स्टाफ में कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें ऑलमोस्ट सभी टीमों ने ही प्लान करना स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन गाइज इन सबके विपरीत है CSK की टीम, जिन्होंने एक अलग ही स्टेटमेंट दी है मेगा ऑक्शन से पहले और इन्होंने बता दिया है कि CSK की टीम IPL 2021 में आगे के जो टूर्नामेंट आने वाला है उसमें जैसा भी परफॉर्म करे, लेकिन ये अपने कोचिंग स्टाफ को मेगा ऑक्शन के बाद भी चेंज नहीं करेंगे। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का जो भी करेंटली कोचिंग स्टाफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसको स्टीफन फ्लेमिंग लीड करते हैं, उन्होंने कहा है कि CSK की टीम के अच्छे वक्त में ये CSK की टीम के साथ थे, तो ऐसे में उनको मेगा ऑक्शन के बाद भी वापस से एक बार फिर से रिटेन किया जाएगा। और प्लेयर्स का तो CSK को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि कितने प्लेयर्स को आप रिटेन करोगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन CSK ने अपने कोचिंग स्टाफ को ऑलरेडी रिटेन कर लिया है। तो गाइज ये वीडियो इन तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए पिंड कमेंट से My11 सर्कल को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।